भारत की 74वीं आज़ादी की सालगिरह में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हम लोग इस देश में जन्मे हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। और एक नागरिक होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश के लिए जो इंटरसीड करें। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बीमारी से, और कई जगह नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं इस देश में हो रही हैं। तो हम भारतीय होने के नाते हमारा एक फ़र्ज है, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते हमारा एक फ़र्ज है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर हमारे देश को चंगा कर सके। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से चलें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हमारे भारत के लिए, जब हम प्रार्थना करेंगे, इंटरसीड करेंगे, बिछुआई की प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हमारे देश की अवस्था को बदलेगा, हमारे देश की सिचुएशन को बदलेगा, और जो भी आपदाएँ हैं उससे परमेश्वर हमें आज़ाद कराएगा। हम बाइबल में हम देख सकते हैं जब कभी भी लोग, देश के लोग जब एक मन होकर जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके देश को बचा दिया, उनके देश को छुड़ा दिया डिजास्टर से, समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से। आपको पता है कि इस संसार की नींव रखने वाला, कोई भी देश की नींव जो इस संसार है इसको बनाने वाला, एक स्वर्गीय पिता है जिसने संसार को अपने वचनों से बनाया है। हालेलुया। और उसने अपने वचनों से बनाया है, और वही परमेश्वर जो है इस संसार को चंगा भी कर सकता है, इस संसार को समस्याओं से छुड़ा सकता है। और उसके वचनों के द्वारा अगर इस संसार बन सकता है, उसके वचनों के द्वारा ये संसार शुद्ध भी हो सकता है, ये संसार चंगा भी हो सकता है। आपको पता है उस कहानी के बारे में, योना नबी की कहानी के बारे में, जब योना जो निनवे देश जो नगर में गया और वहाँ पर प्रचार करने के लिए गया कि ये देश नाश होने वाला है क्योंकि आपके अधर्म जो हैं बहुत बढ़ चुके हैं, और जब निनवे के लोगों ने ये सुना तो वो सब लोग नम्र होकर, इंक्लूडिंग उनके जानवर, जो उपवास में बैठ गए और परमेश्वर की उपस्थिति में जो है रोने लगे, चिल्लाने लगे और परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और उनका देश जो है नाश होने से बच गया। आज मेरे जीजो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम भारत के लिए प्रार्थना करें। बीइंग ए इंडियन, वी मस्ट प्रे फॉर आवर नेशन, एंड आवर नेशन नीड्स योर प्रेयर। हमारा देश को आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है। इसलिए इस 74वें, इस इंडिपेंडेंस डे में आज कुछ समय निकालें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे देश को इस समय प्रार्थना की ज़रूरत है। जब प्रार्थनाएं हमारे देश में होंगी तो परमेश्वर जरूर हमारे देश को चंगा करेगा और हमारा देश सचमुच एक बहुत ही ऊंचाई की ओर चलेगा। सो बीइंग इंडियन, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दोस्त आर वाचिंग मी राइट नाउ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर आवर नेशन सो दैट आवर नेशन मे बी हील्ड, हमारा देश चंगा होने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।